इंदौर में अल सुबह 1 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ जुट गई। जगह जगह मंच सजे थे, कोई सूखे मेवे बांट रहा था तो कोई चाय पिला रहा था। लोग नंगे पैर यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए थे। यह नज़ारा था शुक्रवार को अष्टमी पर निकली रंजीत हनुमान की प्रभात फेरी का। मंदिर से स्वर्ण रथ पर सवार होकर रंजीत बाबा जैसे ही मार्ग पर निकले, आतिशबाजी से आसपास रंगीन हो गया। हर तरफ जय रंजीत के जयकारे लग रहे थे। लोग मंच से पुष्प वर्षा करते रहे, आसमान में उड़ रहे ड्रोन भी पुष्प वर्षा कर रहे थे। प्रभात फेरी महुनाका अन्नपूर्णा रोड फूटीकोठी चौराहे होते हुए मंदिर पर समाप्त हुई। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में रंजीत हनुमान की प्रभात फेरी की परंपरा 137 साल पुरानी है। कोरोना की वजह से 2 साल इस परंपरा को विराम लग गया था, लेकिन शुक्रवार को प्रभात फेरी ने भीड़ के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रंजीत हनुमान मंदिर से लेकर महुनाका तक भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। इस बार प्रभात फेरी में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रभात फेरी में भजन गायकों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। 3 बैंड, छोटी भजन मंडलियों, 5100 महिला ध्वज वाहिनी, 101 पुरुष ध्वज वाहक, नासिक की ढोल मंडली प्रभात फेरी में शामिल हुई। रंजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दिनेश व्यास ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रंजीत अष्टमी महोत्सव के तहत बाबा रंजीत की प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसमें बाबा के स्वर्ण रथ को 251 भक्तों द्वारा खींचा गया। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।